pero claro, más clave que todos. And it's Kukureya. So, एक चीज जो बहुत ही ज्यादा सुनने को मिल रही है आफ्टर रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी, भाई ऐसी परफॉर्मेंस दोगे वर्सेस सिटी, आपको तोड़ेंगे अलग, आपको सेट अलग करेंगे, आपको खाएंगे अलग से भाई ये लोग। आप अगर ऐसा इतना बेकार फुटबॉल खेलोगे वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी जैसी टीम डेफिनेटली ये बोलना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने इस सीजन खेला है चेल्सी जैसी टीम आपको डोमिनेट कर रही है, आपके मिडफील्ड को डोमिनेट कर रही है, आपको बॉल नहीं रखने दे रहे, तो सिटी आपका क्या हाल करेगी पता नहीं। कौन कौन फैंस भाई, सिटी के फैंस, यूनाइटेड के फैंस, चेल्सी के फैंस, इवन अपना खुद के फैंस, अपने खुद के फैंस ये बोल रहे हैं जिस तरह हम कल के मैच में खेले हैं आपको तोड़ देंगे, आपको सिटी तोड़ देंगे, स्पेशली आफ्टर मिलिटाओ। बात करेंगे एंड पे वीडियो के, अच्छे से बात करने वाले मिलिटाओ से रिलेटेड जो भी बातें हैं, बट बिलीव मी एनसेलोटी इज डूइंग व्हाट एनसेलोटी डज। समझो बात को, समझो भाई, रियल मैड्रिड की ना कोई फिलॉसफी नहीं है, मैं ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। रियल मैड्रिड इज नॉट अबाउट अट्रैक्टिव फुटबॉल, रियल मैड्रिड इज नॉट अबाउट गुड फुटबॉल, रियल मैड्रिड को जो मतलब है, रियल मैड्रिड इज अबाउट ट्रॉफीज, रियल मैड्रिड इज अबाउट हमें कैसे रिजल्ट निकाले, रियल मैड्रिड इज अबाउट रिजल्ट ओरिएंटेड। भाई क्या स्कोर लाइन थी, 4-0 एग्रीगेट, हमें अट्रैक्टिव फुटबॉल, गुड फुटबॉल, डोमिनेट फुटबॉल खेल के नहीं, ये हमें नहीं भाई, हम ये जाने ही नहीं जाते इस चीज के लिए। बात को समझो, कल रियल मैड्रिड की फिलॉसफी क्या है, सिंपल चीज है, रियल मैड्रिड की फिलॉसफी क्या है, रियल मैड्रिड की फिलॉसफी है जो रिक्वायर्ड है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू फेस, अगर हमें पोजिशन रखनी है, अगर हमें पार्क दिवस करना है, अगर हमें प्रेसिंग करनी है, जिसके लिए रियल मैड्रिड नहीं जानी जाती, तो वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर फिलॉसफी में हमसे बढ़िया कुछ कोई नहीं उखाड़ पाएगा। अगर हमें फिलॉसफी रखनी है तो रियल मैड्रिड से आप बॉल नहीं, फिलॉसफी कर रहा हूं, अगर पोजीशन रखनी है तो रियल मैड्रिड से आप उस पर्टिकुलर फेज के बॉल नहीं छीन पाओगे भाई। अगर हमें प्रेसिंग करनी है वर्सेस चेल्सी, मैच उठा के देखो क्या नेक्स्ट लेवल की प्रेसिंग की थी, अगर हमें पार्क दिवस करना है यूसीएल फाइनल उठा के देखो वर्सेस लिवरपूल, वर्सेस कल के मैच की बात करते हैं भाई, कल के मैच की बात करते हैं, एनसेलोटी इज डूइंग टिपिकल रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस। दो गोल्स का एडवांटेज हमारे पास है, हम लीड में है, हमारे पास एडवांटेज, हमारे पास वो प्लेयर्स हैं, सेट बैक करो, काउंटर्स पे हिट करो, हमारे पास दो गोल्स का एडवांटेज, हमारे विनीशियस है, रॉड्रिगो के वो रन वर्सेस चालोबा, वो गोल, वो वालवर्दे के रन, वो बेंजिमा, हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, तो वाई नॉट भाई हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे ना यार, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे या फिर हम अट्रैक्टिव फुटबॉल खेलें या फिर डोमिनेटिंग फुटबॉल खेलें, मुझे समझ नहीं आती कभी भी भाई। देखो यार, एनसेलोटी इज डूइंग व्हाट एनसेलोटी डज भाई, मतलब सिंपल चीज थी कल के मैच में, जो रिक्वायर्ड था, रियल मैड्रिड की फिलॉसफी क्या होती है, रियल मैड्रिड की फिलॉसफी मैं बता रहा हूं, जो रिक्वायर्ड होता है वही अपनी फिलॉसफी होती है भाई, हमें वही अडॉप्ट करते हैं, अगर पोजीशन रखनी है, अगर सिट बैक करना, अगर काउंटर अटैकिंग करनी है, अगर प्रेसिंग करनी है, तो यही हमारी फिलॉसफी है, क्योंकि हमारे पास ऐसी क्वालिटी है, हमारे पास ऐसे यंग प्लेयर्स हैं, हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें अगर पोजीशन रखनी है तो क्रूज, मॉड्रिच, बेंजेमा जैसे हमारे पास प्लेयर्स, अगर हमें काउंटर अटैकिंग करें तो विनीशियस, रॉड्रिगो, वालवर्दे जैसे प्लेयर्स, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी क्वालिटी है, बिलीव मी भाई। देखो कल के मैच में रिक्वायर्ड था हम पीछे बैठे, हमें कॉम्पैक्ट रहे भाई, हम कॉम्पैक्ट रहे, तोड़ा अल्टीमेटली हमने तोड़ा, हाँ डिफेंसिव थोड़ा इश्यूज थे कल के मैच में फर्स्ट हाफ में, बट सेकंड हाफ में जो हमने उसको जिस तरह हमने इंप्रूवमेंट की विद वालवर्दे, हमने जिस तरह छोड़ा अपने कांटे पर, जो अपने कार्लो एंचेलोटी ने भी क्लियर किया है, बिलीव मी कल के मैच में रिक्वायर्ड था, रियल मैड्रिड ने किया। मैच साइड करते हैं, जो मेन बातें मुझे करनी है वर्सेस मिलिटाओ पे करनी है, ये टिपिकल कल के मैच में टिपिकल एक रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी। पिछले सीजन यूसीएल भूल गए हो क्या, कौन सा अट्रैक्टिव फुटबॉल, एक नेक्स्ट लेवल फुटबॉल खेल के गए थे क्या भाई, जहां हमें रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट निकालो साइड करो बस बात खत्म भाई, हमें ट्रॉफी से मतलब है, हमें अट्रैक्टिव फुटबॉल से मतलब नहीं, हमें डोमिनेटिंग फुटबॉल से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ठीक है भाई। कल के मैच की बात करो, अगर मुझे तीन प्लेयर्स पिक करने हो बेस्ट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स, तो मैं पिक करूंगा सबसे पहले वाल वर्करेट देता है, वो जो नेक्स्ट लेवल बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, वो आगे जिस तरह सपोर्ट दे रहा है रॉड्रिगो को, जो पीछे जिस तरह सपोर्ट दे रहा है क्रूज और मॉड्रिच को, डिफेंस को, भाई एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। रॉड्रिगो के बारे में एक ही चीज बोल सकता हूं भाई, एक ही चीज बोलूंगा, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर चुका हूं रॉड्रिगो पे, एक चीज बोलूंगा भाई, ये बंदा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है, वो स्टार्टिंग लेवल में अपनी जगह बना चुका है, स्टार्टर बन चुका है, रॉड्रिगो विद बेंजीमा एंड विद विनीशियस भाई वो बना चुका है, वो प्लेस अपनी जगह बना चुका है इस टीम में, बात खत्म है भाई। नेक्स्ट प्लेयर, जो थर्ड प्लेयर जो बहुत ही फार लगा मुझे, दैट इज भाई जो हमेशा हमें यूसीएल नाइट में बिग मैचेस में हमेशा हमको मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कोर्तुआ बात खत्म भाई, मैं ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, कोर्तुआ बात खत्म। जो इंपॉर्टेंट बात है, देखो यार, बिफोर मैं मिलिटाओ उस पर जाऊं, मैं हम ऐसा फील करवाते हैं, एक चीज मैं जरूर ये एड ऑन कर दूंगा, ऐड करूंगा भाई, हम ऐसा फील करवाते हैं, रियल मैड्रिड ऐसा फील करवाती है आप ओपोनेंट्स को, आप कंट्रोल में हो, आपके गेम में आपके कंट्रोल में है, आप सब कुछ देख रहे हो, हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम पीछे बैठे हो, आप इस तरह इस लेवल का फुटबॉल खेल रहे हो, हम नहीं
ये पॉसिबल है क्या हमारे पास आफ्टर क्रूज मॉड्रिच बेंजिमा विनीशियस रोड्रिगो ये सब होने के बाद क्या आप सोच रहे हो ऐसा हो सकता है पूरे 90 मिनट तक पूरे हाफ तक रियल मैड्रिड इनवाइट करती है आउट चढ़ो याद रखो बहुत बार क्लियर कर चुका हूं आउट चढ़ो बात खत्म नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं भाई मिलिटाओ के बारे में ठीक है अब क्वेश्चन ये है रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी विदाउट मिलिटाओ समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात की गहराई को समझ रहे हो रियल मैड्रिड का बेस्ट डिफेंडर रियल को रियल मैड्रिड मतलब मिलिटाओ वर्सेस हाल अब उसको कौन कंटेन करेगा अब उसको कौन भाई को देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था एंसेलोटी मतलब आप सभी से फैंस और जो कमेंट्स में जो आंसर्स आए थे ना मैं काफी शॉक हुआ था पर्सनली मैंने क्वेश्चन पूछा था क्या एंसेलोटी को रेस्ट देना चाहिए मिलिटाओ को 2-0 एडवांटेज है क्या हमें इतना भरोसा नहीं है अपने रूडीगर पे या फिर नाचो पर स्पेशली नाचो पर जो वो सेंटर बैक में परफॉर्मेंस देता है फ्रॉम दैट पोजीशन सेंटर बैक से क्या हमें इतना इन पे भरोसा नहीं है 2-0 की एडवांटेज हमारे पास है मिलिटाओ को हम रेस्ट नहीं दे सकते क्या हर कॉमेंट सेक्शन में एक ही चीज मैंने देखी स्टार्ट करवाओ बहुत ज्यादातर आंसर यही थे स्टार्ट करवाओ एक गोल मारती उसको सब कर दो एक गोल मारती जो एक कंट्रोल में आ जाए रियल उसको सब कर दो बट भाई ये चीज नहीं पॉसिबल होती है यू नेवर नो कब क्या हो जाए हो गया रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी विदाउट मिलिटाओ क्वेश्चंस उठेंगे भाई क्या हम रेस्ट नहीं दे सकते थे मिलिटाओ को देखो अब बात सिंपल है हालैंड को कौन कंटेन करेगा हालैंड को अब कौन कंटेन करेगा हालैंड वन ऑफ द बेस्ट कौन रोकेगा भाई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कैसे मैनेज करोगे जो क्वालिटी हम देखो मैं अगर सच बात बोलूं ना भाई जो क्वालिटी हमारे मिलिटाओ के पास है वो किसी भी डिफेंडर के पास वो क्वालिटी नहीं है बिलीव मी वो पेस वो बॉल कंट्रोल वो टैकल्स वो हेडिंग वो एरियल सुपीरियरिटी वो मार्किंग वो बॉल पे जिस तरह कंफर्ट है वो उसके लॉन्ग बॉल्स वो डायगोनल बॉल्स वो उसके फ्लोटेड पासेस वो एवरीथिंग कल भी जो पहला गोल आया वो जो पीछे से बॉल आई थी नेक्स्ट लेवल की बॉल वो फ्रॉम मिलिटाओ हुई थी अब बात ये है विदाउट मिलिटाओ कौन मैनेज करेगा वर्सेस सिटी जो बिगेस्ट गेम ऑफ दी सीजन है कहीं ना कहीं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो अपने थॉट्स जरूर बताना बिफोर एंडिंग दिस वीडियो बिगेस्ट गेम ऑफ दी सीजन कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड का एक ही चीज बोलूंगा रियल मैड्रिड का सिंपल एक सिंपल फंडा होना चाहिए एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जस्ट लाइक लास्ट सीजन क्योंकि भाई हम डोमिनेट तो नहीं कर सकते ये चीज मैं मानता हूं एज अ रियल मैड्रिड फैन जिस तरह की उनकी मिडफील्ड है जिस तरह उनके पास उनका उनका अटैक है उनका डिफेंस है हम भाई एक ही चीज कर सकते हैं जस्ट लाइक लास्ट सीजन वी हैव टू स्कोर वन मोर गोल देन मैनचेस्टर सिटी पिछले साल की तरह पिछले सीजन की तरह पिछले कैंपेन की तरह यूसीएल में एतिहाद 4-3 अपने घर पर मतलब हम यही कर सकते हैं एक गोल ज्यादा निकालना है मैनचेस्टर सिटी से बात खत्म भाई नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे कैसे हमें मैनेज करेंगे हालैंड को सिटी को अच्छे से बात करेंगे अच्छे से मैं वीडियो निकालूंगा कल या परसों में देखते हैं बट एक चीज जो सिंपल ऑब्जेक्टिव सिंपल फंडा रियल मैड्रिड का होना चाहिए वी हैव टू स्कोर वन फकिंग गोल मोर गोल देन मैनचेस्टर सिटी जस्ट लाइक लास्ट सीजन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई आपके जो भी थॉट्स रिलेटेड टू जो भी मैंने आज बात की भाई फिलोसफी रियल मैड्रिड की फिलोसफी हमने डोमिनेट किया हम बेकार फुटबॉल खेले वर्सेस मैनचेस्टर सिटी आपके क्या थॉट्स हैं सब कुछ बता रहा हूँ वर्सेस हालैंड विदाउट मिलिटाओ जो भी आपको फील होता है दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई विल सी यू वेरी सून थैंक यू